नाच में हम लोग आए थे बजा बजाने के लिए, बड़हारी से बारात आया था। बड़हारी कहाँ? नगर थाना में, रोहतास। हाँ रोहतास। अच्छा, कंचन नगर में नाच भभुआ बारात टीका था। वहाँ पर हम लोग साज बजा रहे थे, नाच हो रहा था पूरा। होते समय में वो आदमी जो था बगल में बैठा था, चंदन नाम का, वो उसी ने माने यहीं के रहने वाला था कि बाराती में आया था? यहीं के रहने वाला था। अच्छा, तो क्या चाह रहा था? वो दारू पिया था, दारू के नशे में दो फायर मार दिया, तीसरा फायर मारा साला लग गया गोली। किसको गोली लग गया? बेंजू बजाने वालों को। अच्छा, तो माने विवाद काहे हुआ? विवाद दूसरा कुछ नहीं था, ऐसा लफुआ गिरी कर रहा था। माने नाच गाना का ऑर्डर नागिन धुन हो रहा था। नागिन धुन, हाँ। उसी के समय में सब बोला कि यही चालू कीजिए, कैसा रीते इधर उधर लगा रहा था, उसी में समझिए की बात। क्या नाम है? हमारा दिलीप नाम है। नाच देखने वो भी बैठा, मेरा भी बैठा, तो हम बोली उन्हें बैठे तो वो बोला तू उठ के चल जाओ, हम उठ के भाग नहीं होगा अभी फोल्डिंग। अच्छा, फिर वो लड़का फिर दूसरा ठे जाके नीचे मारा, नीचे मार के फिर उधर से फिर दूसरा फोल्डिंग पे गया, फिर दूसरा फोल्डिंग पे लिख के मार दिया उसका। ये का नाच में बेंजू बजा रहे थे? हाँ बेंजू बजा रहा। इनका क्या नाम था? दिलेंदर। कहाँ के रहने वाले थे? काशी के। तुम्हारा गांव कहाँ है? काशी। तुम क्या बजाते हो? हम नाच में रहते हैं। नाच में रहता है, तो नाच चल रहा था उसी के दौरान ऐसा हुआ है ना। तो क्या जो शराब भी पिए हुए था कि क्या था? नशा में। नशा में था, तो नाच माने क्या ऑर्डर कर रहा था कि फलना फलना नाच हो गया है? धुन बजाइए, नागिन धुन था गाना। नागिन, नागिन धुन के लिए उसी में विवाद हुआ और मरने के बाद क्या हुआ? माने वहीं स्पॉट मौत हो गया? नहीं, अभी ले जा रहे थे, गाधा और फरार हो गया, भाग गया। कहाँ बारात आया था? कंचनपुर। भभुआ। तुम्हारा नाम क्या है? शमशेर। तो ये स्टाफ हो? भभुआ वार्ड नंबर 6 में एक बारात आई थी करहगर से, रोहतास जिले से। बारात में नाचने का प्रोग्राम था और इसी बीच एक लड़का चंदन कुमार आया और उसके द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें बेंजू मास्टर धीरेन्द्र राम है उनके गोली लगी और उनकी मृत्यु हो गई है। घटनास्थल से आरोपी चंदन कुमार का मोटरसाइकिल जब्त किया गया, उसके घर की तलाशी ली गई, तमाम से 11 खोखे और तलवार भी बरामद हुए। पुलिस उसकी शीघ्र गिरफ्तारी के लिए छापामारी कर रही है और शीघ्र गिरफ्तारी।